प्लस वन बी क्लास, आज हम नया करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। जनरल हमने पहले कर ली थी, अब करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटे उसका परफॉर्मा है, पहले हमने क्या लिखना है, डेट ट्रांजैक्शन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो सबसे पहले हमने जनरल एंट्री के हिसाब से करते हैं, राजन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इन्वेस्टमेंट। राजन जो है वो कैश लेके आया एज किस रूप में, कैपिटल के रूप में। तो कैश में भी 1 लाख हो जाएगा और कैपिटल में भी 1 लाख, और क्योंकि लाइबिलिटी कोई नहीं है इस करके हम लाइबिलिटी में जीरो लिख देंगे। सेकंड है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया, जहाँ पे दिया गया 80,000। तो बैंक में गया तो कैश हमारा कम हो गया और बैंक में 80,000 प्लस हो गए। तो इन दोनों को माइनस करा तो 20,000 आ गया, 80,000 आ गया, और लाइबिलिटी हमारी जीरो रही और कैपिटल 1 लाख ही रही। उसके बाद परचेज करी है राजन से गुड्स, गुड्स करी है तो ये गुड्स जो है वो स्टॉक में आ जाएगा। परचेज करी है तो प्लस होगी, और राजन क्योंकि आप साजन जो है वो आपका क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर किस में आता है, लाइबिलिटी में। तो 10,000 आपने लाइबिलिटी में भी डाल दिया और आपकी जो कैपिटल है यहाँ पे जीरो ही रहेगी। उसी तरह आपने फिर टोटल कर देना है, 20,000, 80,000, 10,000, और ये देखो इस साइड का टोटल इस साइड के टोटल के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद राजन ने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ली, तो पर्सनल यूज़ होता है ड्राइंग, तो ड्राइंग जब भी लेनी है तो कैपिटल में से निकाल देनी है, और क्योंकि यहाँ पे गुड्स ली है उसने ड्राइंग के रूप में, तो गुड्स को करते हैं परचेज, मतलब स्टॉक में से कम कर देना, तो ये आ जाएगा आपका। उसके बाद है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट बाय चेक। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किस में से निकालना है, कैपिटल में से निकाल, खर्चे सारे बेटे जो है कैपिटल से ही निकाले जाने हैं, इनकम भी जो है कैपिटल में ऐड हो जानी है। तो एडवर्टाइजमेंट का 9,000 यहाँ पे आ गया, और चेक है क्योंकि बैंक से निकाला है इस करके बैंक से इसको माइनस कर दिया, तो ये चीज़ आपकी आ गई। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड के रेंट पे करा है तो वो भी हमने कैपिटल में से निकाला और कैश से निकाला। बेटे ये देखो एसेट का टोटल इज इक्वल टू इस साइड का टोटल, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम में एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल।